टाइप सी है मोबाइल के लिए, हमने मोबाइल से कॉपी किया, फिर उसके बाद अपने लैपटॉप पे जाके उसको पेस्ट किया तो वहाँ वो फाइल करप्ट हो गई। कहने का मतलब भाई जिस काम के लिए बने हो वही काम नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसा है ना दोस्त, आज हम इन दोनों ही पेन ड्राइव का जो है कंपैरिजन करने वाले हैं। दोनों ही सैंडिस्क तरफ से आते हैं, सेम डिजाइन है, सेम लुक्स है, लेकिन एक मेटल बिल्ड है और एक टोटली प्लास्टिक बिल्ड। तो कौन सा बेहतर रहेगा यही आज बात करेंगे। काफी समय से मेटल वाला यूज किया है हमने और अभी फिलहाल इसको यूज कर रहे हैं, ये प्लास्टिक बिल्ड है। तो यहाँ पे यार जो इसके साथ हमारा एक्सपीरियंस है मेटल वाले के साथ वो बहुत ही बेकार रहा है, पूरा वीडियो में बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे अगर हम वेट वगैरह की बात करें, जाहिर सी बात है मेटल बिल्ड है और ये प्लास्टिक बिल्ड, डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है प्लास्टिक वाला, समझ में नहीं आता कुछ हाथ में लिए हो, अगर किचन वगैरह इसको बना के चलते भी हो तो इजिली जो है पॉकेट वगैरह में रखे रहोगे आपको पता नहीं चलेगा। इस पेन ड्राइव की बात कर रहे हैं प्लास्टिक बिल्ड के, वही मेटल बिल्ड वाला थोड़ा सा हैवी है लेकिन स्मार्ट लगता है भाई, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन समय के साथ इस मेटल बिल्ड वाले में एक प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि आप देख सकते हो इसका जो हिंज है ये लूज हो गया है, पहले एकदम टाइट था यार, अभी जैसे कि ये देखो प्लास्टिक बिल्ड वाला है। ओवरऑल इजी टू कैरी, इजी टू हैंडल यही है प्लास्टिक वाला। बाकी यहाँ बता दें यार, इन दोनों ही पेन ड्राइव में से हम मेटल वाला बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं हुआ था इसको लिए हुए और भाई यहाँ पे फाइल हमारी करप्ट होने स्टार्ट हो गई थी। हमने जो है जैसे मोबाइल से कॉपी किया, भाई टाइप सी है मोबाइल के लिए, हमने मोबाइल से कॉपी किया फिर उसके बाद हमने अपने लैपटॉप पे जाके उसको पेस्ट किया तो वहाँ वो फाइल करप्ट हो गई। कहने का मतलब भाई जिस काम के लिए बने हो वही काम नहीं कर पा रहे हो, है मतलब मोबाइल से हम बढ़िया जो है फाइल इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं और लैपटॉप में पीसी पे सो ही नहीं कर रहा है या फिर करप्ट हो जा रहा है, बहुत बुरा बुरा झेले, हमारा डाटा लॉस भी हुआ है इसके चक्कर में, तो भाई इसको रिकमेंड हम नहीं करेंगे। और वहीं पे ये प्लास्टिक बिल्ड वाला भाई काफी समय हो गया इसको यूज करते हुए, बहुत ही बढ़िया चल रहा है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। और ये भी बता रहे हैं भले ये बहुत समय पहले लिया था लेकिन ये शुरू में ही दिक्कत देने लगा था, फर्स्ट रिव्यू हमने किया था उसके बाद जो है कुछ समय बाद दिक्कत देने लगा था ये। और ये भी बताएं ये गिरा तो टेंशन नहीं होगी, लाइट वेट है क्या प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये गिरता है जब तो लगता है यार कुछ हो तो नहीं गया। भाई हमारी रिकमेंडेशन तो प्लास्टिक वाली रहेगी अगर हमारी बात आप मानते हो तो, क्योंकि कोई ब्रांड तो हमको भेज नहीं रहा है, खुद का पैसा लगा रहे हैं तब रिव्यू कर रहे हैं। और वहीं पे इसका हमने सिंगल रिव्यू किया है, आप जाके देख सकते हो, पूरा डिटेल बताया है इसका ट्रांसफर स्पीड वगैरह कैसी है कैसी नहीं है। फिलहाल यहाँ पे स्पीड की अगर बात कर ले भाई, वो डिपेंड करता है आप कैसा डिवाइस यूज कर रहे हो। जैसे कि हमने अपने पीसी पे टेस्ट किया था तो वहां पे हमको स्पीड थोड़ी सी स्लो लगी थी, हमने यहाँ पे टैबलेट पे यूज किया सैमसंग के S7 Plus पे तो बहुत ही बढ़िया स्पीड देखने को मिली, सेम फाइल साइज की बात कर रहे हैं, वही फाइल हमने पीसी से ट्रांसफर की, वही फाइल हमने टैबलेट से ट्रांसफर की तो स्पीड में डिफरेंस दिख गया। और आप कहोगे भैया टाइप है और टाइप सी का डिफरेंस हो गया होगा, यहाँ पे यार हमने अपने रियलमी एक्स फोन पे ट्राई किया तो वहां पे टाइप सी लगेगा ना, लेकिन स्पीड जो है थोड़ी सी स्लो मिली थी सैमसंग के टैबलेट के मुकाबले। तो ओवरऑल हम ये जानते हैं यार, अगर ब्रांड 150 Mbps कह रहा है इसकी ट्रांसफर स्पीड तो क्या पता वो मिल भी जाए, लेकिन एक हाई एंड पीसी या लैपटॉप पर यार हमने जरा स्पीड टेस्ट किया है काफी अच्छी स्पीड है, आपका काम हो जाएगा। ये नहीं होगा बहुत टाइम लग रहा है कोई फाइल ट्रांसफर करने में, इजिली कर ले जाओगे और ये आपका डाटा बढ़िया सुरक्षित भी रखेगा जहां तक अभी हमें उम्मीद है, क्योंकि काफी समय हो गया इसको भी यूज करते हुए अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। एक हमारी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि किसी भी सेटअप बॉक्स या फिर ऐसी जगह पे इसको लगातार लगा के मत छोड़ दिया करो, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हीट होते हैं, ये भी हीट होता है वो भयानक और ये भी हीट होता है, तो हीट होने से क्या पता अंदर के कंपोनेंट्स खराब हो जाते हो जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ जाती हो। मतलब ये नहीं कि पीसी पे लगातार लगाया पीसी बंद है तो खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे कई लोग अपने स्मार्ट बॉक्स जो एंड्रॉइड स्मार्ट बॉक्स होते हैं या फिर सेटअप बॉक्स होते हैं वहां पर पेन ड्राइव लगातार लगाए रहते हैं दिन रात, वहां पे हीटिंग इश्यू होगी तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है पेन ड्राइव से, फिर वो कोई भी पेन ड्राइव हो। तो जिनको हीट वाले क्वेश्चंस रहते हैं कि भैया हीट होता है कि नहीं होता है, तो हीट होते हैं सभी पेन ड्राइव्स होते हैं मोस्टली, जब भी आप डाटा ट्रांसफर वगैरह करोगे तो यहाँ पे जो हमने बताया बस उसी चीज को फॉलो करना, बाकी डाटा ट्रांसफर के लिए बना है, डाटा ट्रांसफर आप करो इधर से उधर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिलहाल मेटल वाला रिकमेंड नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ लेना या फिर हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर लेना, हर एक किसी के जवाब देते हैं और सॉल्यूशन वहीं पे कर देते हैं। इन सभी के जो है बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ बता दे दोस्त, इस चैनल पे जितने भी रिव्यूज हम करते हैं सारे प्रोडक्ट्स हम अपने पैसों से बाय करते हैं तब रिव्यू करते हैं, और ये पॉसिबल भी हो पाता है आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोग यूज करते हो हमारा एफिलिएट लिंक जिससे कुछ पैसे जनरेट होते हैं और उन्हीं को इकट्ठा करके हम ये सारे तगड़े प्रोडक्ट्स वगैरह मंगाते हैं और आप तक एक जेन्युइन और अच्छा कंटेंट ला पाते हैं। तो चैनल को सपोर्ट जरूर करना यार, आप लोगों का सपोर्ट बहुत मोटिवेट करता है और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने में। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।